दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे वृश्चिक लव राशि फल दिसंबर 2021। दिसंबर का महीना स्कॉर्पियो साइन वालों के लिए कैसा रहेगा, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपके रिलेशनशिप की स्थिति कैसी रहेगी, आइए जानते हैं। दोस्तों लव राशि फल शुरू करें उससे पहले आपको बता दें, हमारा लव राशि फल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है, उसी के अनुसार इस लव राशि फल को देखें व सुने। अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों दिसंबर के महीने में 5 मुख्य परिवर्तन होने वाले हैं। ये परिवर्तन कौन कौन से हैं ये बता देते हैं आपको, क्योंकि इन्हीं परिवर्तनों के आधार पर हम आपको बताएंगे कि आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में क्या परिवर्तन होने वाले हैं। गोचर में जो 5 परिवर्तन है उनमें से सबसे पहला परिवर्तन 4 दिसंबर को होगा, वृश्चिक में मंगल का प्रवेश होगा। 8 दिसंबर को दूसरा परिवर्तन होगा, मकर में शुक्र का प्रवेश होगा। और 9 दिसंबर को तीसरा परिवर्तन होगा, धनु में बुध का प्रवेश होगा। चौथा परिवर्तन फिर बुधदेव करेंगे, 29 दिसंबर को मकर में प्रवेश करेंगे। 15 दिसंबर को धनु में सूर्य का प्रवेश होगा। ये 5 परिवर्तन हैं और ये 5 मुख्य परिवर्तन आपकी रिलेशनशिप में क्या परिवर्तन लेकर आने वाले हैं, आइए जान लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे सिंगल जो लोग हैं उनकी, उसके बाद में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की, लव लाइफ की और मैरिड लाइफ की, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की, उसके बाद में वीडियो के लास्ट में आपको बताते हैं 3 राशियों के नाम। अगर उन 3 राशियों में से आपका पार्टनर होता है तो आपकी लव लाइफ शानदार रहेगी, ये महीना आपके लिए उत्तम रहेगा। चलिए जानते हैं कि आपके लिए कैसी स्थिति बनने वाली इस महीने। सबसे पहले अगर बात करते हैं जो लोग सिंगल हैं उनकी, आप लोगों में ईगो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा इस महीने, बहुत ज़्यादा घमंड भी बढ़ जाएगा, अभिमान, बस आपका कोई दोस्त नहीं बनना चाहेगा। अगर आपका कोई दोस्त है भी तब वो आपसे किनारा काटने लगेगा। विशेष रूप से आप कुछ पल में ऐसी भी बातें करेंगे जिससे आप अपने जिसे प्यार करते हैं, जिसे चाहते हैं, जिसे मानते हैं, जो आपसे प्यार करता है उसका अपमान कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपके लिए दोनों स्थितियाँ ख़राब हैं। अगर कोई दोस्त है तो वहाँ पर भी स्थिति ख़राब है, दोस्ती टूट सकती है, और दोस्त नहीं है तो दोस्त नहीं बन पाएगा। आपका ईगो इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि छोटी छोटी बातें आपको परेशान करने लगेंगी, आपको खुद में ही चिड़चिड़ापन आएगा, आप खुद से ही परेशान होंगे। क्योंकि 4 दिसंबर के बाद में अंगारक दोष का भी निर्माण होगा, ध्वज योग का भी निर्माण होगा। ये दोनों चीज़ें आपके अंदर, एक तो तरक्की के रास्ते जो हैं आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आप तरक्की करेंगे, कुछ चीज़ें आप डेवलप करेंगे, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी होने लगेंगी, उस वजह से आपका ईगो बढ़ जाएगा और वो ईगो आपकी रिलेशनशिप को ख़राब कर देगा। और अगर हम बात करते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की, तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से कॉन्टैक्ट में आने की उम्मीद नहीं बनेगी इस महीने। नो कॉन्टैक्ट में ही रहें वही अच्छा है। अगर कॉन्टैक्ट में आ भी जाते हैं तो भी आपकी बातें जो हैं वो दोहरी बातें हो जाएंगी। कभी आप नम्र रखने की अपने आप को कोशिश करेंगे, बहुत ज़्यादा झुकने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो आपसे हो नहीं पाएगा। सेल्फ रिस्पेक्ट, जो स्वाभिमान आपका, वो ईगो वो आपका बढ़ जाएगा और उसी वजह से आप अपनी जो बातें नहीं बोलना चाहते थे, जो बातें आप बार बार सोच रहे हैं कि नहीं बोलेंगे, वही बातें बोल देंगे और फिर इससे स्थिति खराब हो जाएगी। अगर लव मैरिज करना चाहते हैं, लव लाइफ में कोई कमिटमेंट चाहते हैं, ठोस कमिटमेंट, तो वो इस महीने बहुत कम चांसेस हैं कि मिल पाए। खास करके जो चांसेस थोड़े बहुत बन भी रहे हैं वो 15 दिसंबर से लेकर के 25 दिसंबर के बीच में थोड़े बहुत बन रहे हैं, बाकी चांसेस ज़्यादा अच्छे नहीं बन रहे हैं। और अगर कमिटमेंट के लिए अगर ज़्यादा फोर्स करते हैं, ईगो बढ़ा लेते हैं बहुत ज़्यादा, तो इससे भी कोई खास चांसेस नहीं बनेंगे और परेशान ही होंगे आप। अगर आपको लव मैरिज करनी है, लव मैरिज में कोई बातचीत करनी है, फैमिली में बात करनी है, तो इस महीने में कहूँगा कि आप बिल्कुल भी कोई चर्चा ना करें और किसी भी तीसरे व्यक्ति को, आप दोनों लोगों के बीच की बातें बिल्कुल भी शेयर ना करें, नहीं तो इससे आप बहुत बुरे फंस सकते हैं। अगर मैरिड लाइफ की बात करते हैं तो मैरिड लाइफ में डाइवोर्स तक की नौबत आ सकती है, झगड़े वाद विवाद बढ़ सकते हैं, बहुत बुरी स्थिति बन सकती है और बात इतना ज़्यादा बढ़ सकती है कि इन आपकी मैरिड लाइफ को बर्बाद करने की जो वजह है वो आप खुद ही बन जाएं। आपका सम्मान या आपका ईगो कह लें
वो आपके लिए मैरिड लाइफ में आपके मैरिड लाइफ की खुशियों को तबाह कर दे। और कुछ कंफ्यूज आपके पार्टनर देखें, कुछ कंफ्यूजन लगे उन्हें, आपको डाइवोर्स देने से मना करने लगें, लेकिन इससे आपका ईगो और ज़्यादा बढ़ जाएगा कि ये डाइवोर्स देने से मना कर रहा है इसका मतलब मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ। तो ऐसा कुछ आपके अंदर ईगो बढ़ सकता है कि ये मुझे नहीं छोड़ना चाह रहा है, या कोई आपको एक गलत फहमी भी हो सकती है कि ये इस कारण से नहीं छोड़ना चाह रहा है या कोई ये वजह है, तो वो चीज़ें गलत फहमी आपकी हो सकती हैं, वो कुछ और सोच करके ऐसा कर रहे हैं, वो मैरिड लाइफ बचाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन आपको लगे कि इससे कोई हमसे फ़ायदा है इसलिए ऐसा कर रहा है, तो वो चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं और वो गलत फहमियों के कारण आपका ईगो बढ़ता चला जाएगा और इससे आपकी मैरिड लाइफ बर्बाद होती चली जाएगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कुछ बचकानी हरकतें हो सकती हैं जिससे परेशानी उत्पन्न हो, और विशेष रूप से देखा जाए तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पहले सप्ताह में, दिसंबर का पहला सप्ताह आपका बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन उसके बाद में आपके पार्टनर जो वादे आपसे किए थे उनसे पलट जाएं, और अगर कोई आर्थिक मदद आपको कर रहे थे तो वो भी आपको ना करें। ये स्थिति रहेगी दोस्तों दिसंबर के लव राशिफल की। अगर आपको लव राशिफल पसंद आए, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। उसके साथ साथ दोस्तों आपको तीन राशियों के नाम बता देते हैं। तीन राशियों में से पहली राशि है मेष राशि, दूसरी राशि है सिंह राशि और तीसरी राशि है कन्या राशि। अगर इन राशियों के पार्टनर आपके होते हैं तो आपकी लव लाइफ शानदार रहेगी। दोस्तों यह था लव राशिफल। अगर आप 2022 का लव राशिफल देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि बहुत जल्दी ही आपके लिए 2022 का लव राशिफल प्रारंभ करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।